सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई होप सो गाइज, आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो ये है भाई पार्ट टू, यानी कि सेम डे अभी जस्ट मैंने ब्लॉग क्लोज किया है और जस्ट अभी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत लंबा बन गया था। तो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और इस समय ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं सुबह से कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सुबह क्या, दोपहर मान लो भी 12:30 बज रहे। अभी हमने ये पेड़ की कटिंग करी है, जो कि आपने इससे पहले भी देखी, मैंने वीडियो क्लोजिंग करी थी उसमें आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक है गाइस, तो काफ़ी मेहनत से हमने ये लगाया था, कपिल मैंने और मम्मी ने मिलकर, कद्दू का पेड़ यहाँ पर, जो कि हमने कटाई कर दी है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर रेसिपी की शूट के लिए ही आया था। रेसिपी क्या, मतलब हम कह सकते हैं इसको पेड़ की कटिंग वाली वीडियो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो भी है आपको ये अन्नपूर्ण किचन वाले चैनल में मिल जाएगी। तो फिलहाल ऊपर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, कितने तगड़े सूरज निकल रखा है और मम्मी ऊपर जा रखी है, पानी वानी भर रही है और मैं भी ऊपर आ रखा हूँ, बस वीडियो बनाने के लिए आ रखा था वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, बाकी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसे हो आप सभी? प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि गाइज आप लोग वीडियो देखते लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हो और आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 60 से 59 वीडियोज बना चुका हूँ यूट्यूब में। ठीक है गाइज, बाकी अगल बगल में छत का हाल दिखाता हूँ। देखिए कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, दीपू का घर है वो, और इधर राहुल का घर है, उस तरह गोलू का घर है। ठीक है, तो मेरे बचपन के यार हैं सारे, इनके घर हैं। बाकी आपको नीचे गली के यहाँ से हाल दिखाता हूँ। ये देखो, ये जा रहा है सौरभ अपनी बुलेट में यहाँ से बाहर, और आप देख सकते हैं पेड़ कितने सारे भाई साहब होकर रखे। देखो नीचे नहीं देता, ज़्यादा तक आपकी नज़र आ रही है। तो ऐसा कुछ हमारा दिन जा रहा है। बाकी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट में हमने ब्रेड रोल खाया था, हमने क्या मतलब मैंने ब्रेड रोल खाया था और सब ने मिलकर खाया था ब्रेड रोल। हाँ, तो उसकी भी एक वीडियो बना दी है मैंने अन्नपूर्ण किचन में, उसकी वीडियो आ गई है। तो गाइस प्लीज़ अन्नपूर्ण किचन को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यहाँ पर नाम लिखा रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो करें और वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए। जी हाँ, तो अब हम आ गए ऊपर छत में, और छत से हमारे यहाँ से व्यू देखिए, और ये देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है छत से, और धूप बहुत ही तेज़ हो रही है। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं बता देता हूँ, मैं आपको न्यू दिल्ली, दिल्ली में आया नगर में मैं रहता हूँ, और यहाँ पर जो आया नगर का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल इस साइड पड़ेगा, अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन। तो ये है हमारा भाई आया नगर, प्यारा सा, देख रहे कितना प्यारा है। प्यारा तो हो गई क्योंकि बचपन से यहाँ रहे हैं, और धूप बहुत तेज़ हो रही, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, थोड़ा बहुत फेस वेसन काला आ रहा होगा। और अभी हम टंकी में पानी भर रहे छत में, और ऐसा कुछ है, बाकी मौसम तो डिसेंट सा है, प्लेजेंट सा है। और ये है करवा चौथ का, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते, जो भी है। ठीक है, तो चलिए फिर, अब पानी वानी तो अपना यहाँ पर भरता रहेगा। मम्मी नीचे जा रही है वहाँ से, और हम भी चलते हैं नीचे, और कुछ इंटरेस्टिंग मिलता तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। प्लीज़ बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइस ये है अपनी कटाई की थाली, इसमें चीटी पीटी बहुत है। चलो कोई बात नहीं, चीटी पीटी का क्या, वो तो हम दो आ देंगे तो सब लोग भाई सब चीज़ निकल जाएगी इसमें से। तो अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, और इसमें कीड़े मकोड़े भी होंगे थोड़े बहुत, तो उसकी भी थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी। ये देखिए कितने सारे हमने पेड़ की कटिंग कर दी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा दिन, हमारा व्लॉग जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको उठा के रख दिया है। तो देखते हैं यार, अभी आशीष का भी कॉल आया था, तो भाई वो तो जा रहा पानीपत, तो मेरे को लगा चलो भाई कोई वीडियो बनाएंगे, बट ऐसे वीडियो बनाने का कोई सीन है नहीं। सो गाइज लेट मी टीच यू हाउ टू मेक अ गुड सैंडविच। सैंडविच क्या मतलब, ब्रेड एक्स्ट्रा पड़ गई थी, सुबह ब्रेड रोल की रेसिपी बनाई थी ना, तो कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड्स पड़ गई थी। चलो कोई बात नहीं गाइज, माइक थोड़ा अंदर हो गया था। चलो कोई बात नहीं गाइज, यार आपको भी दिखाते हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ वर्ल्ड बेस्ट माई फेवरेट कबल सैंडविच। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रोली टोमेटो सॉस है, देखते हैं अगर इसका कुछ यूज़ होता है तो, और ज़्यादा नहीं, एक दो ही ब्रेड पड़ी है मेरे पास, आपको दिखा देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर हमने ले लिया है ये दो ब्रेड मस्त से, और एक हमने ले लिया है ये अमूल का चीज़। ठीक है, एक चीज़ फाड़ेंगे मस्त तरीके से ऐसे, ओए फट गया, चलो कोई नहीं, फट गया था, फट गया रस्ते। इसको लगाएंगे, नहीं इसको अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे इसमें मक्खन, क्योंकि यह हमारे पास मक्खन को लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, मक्खन को लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे चाकू का। जी हाँ, ये देखो भाई, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें 50 ग्राम हमने वो डाल था मक्खन, तो ये उसी का मक्खन बचा पड़ा है। 50 ग्राम तो नहीं है ये, 25 ग्राम तो होगा कम से कम। ओहो बच गया, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा हम यहाँ पे हाई क्वांटिटी में लगा रहे हैं भैया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो भाई फैट हो जाएगा ना। ये हमारी लग गई मस्त गिनी चुनी मक्खन, और अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पे माय वर्ल्ड फेमस चीज़ स्लाइस। इसका यार ये खुलती नहीं है मुझसे कभी भी, चलो कोई नहीं, खुल गई। एक स्लाइस हम इसका यहाँ लगाएंगे, और एक जो ये बचा पड़ा है इसका हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा और लगा देंगे उसके ऊपर से, ज़्यादा नहीं, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ये मक्खन ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा वर्ल्ड फेमस कमल सैंडविच। गाइस ये देखो वर्ल्ड फेमस हो चुका है, अब टेस्ट करते हैं। मस्त बनी मस्त, चलो कोई नहीं, मैं से कंप्लीट करता हूँ उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो अगर मैं इस समय टाइमिंग की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो ऊपर दिख नहीं रहा होगा, अभी इस समय बज रहे हैं 3:12 कुछ लगभग, है ना। तो अपना तो यहाँ पर अब लंच के लिए मैंने एक रेसिपी वीडियो शूट करी थी जो कि आप लोग दूसरे ही चैनल पर देखेंगे, और हमारी वीडियो बन चुकी है, और जो हमने बनाई थी साकियों का है, अच्छा यहाँ नहीं छुपा रखी है, ये देखो यस, जो हमने छत में तोड़ा था ना, मैंने अभी आपको दिखाया वही है ये, तो ये बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको अगल बगल में भी देंगे, और उनसे भी इनका रिव्यू लेंगे कि भाई कैसी बनी है। बाकी इसका जो मेकिंग प्रोसेस है, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आपको यहाँ पर अन्नपूर्ण किचन का नाम आ रहा होगा, इस चैनल को विजिट जरूर करिएगा और देखिएगा कि हमने इसको कैसे काटा और हमने कैसे बनाया। ठीक है, तो चलिए अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट कह रहा हूँ, लंच की थाली ले लेते हैं। ये अपनी रोटी रेडी हो गई है, और जल्दी बताओ रे बाबा, और एक कटोरी हम लेंगे, ये हमारी कल की बासी, सॉरी ये है हमारी कल रात की चने की सब्जी, है ना। यस yes! और साग देखते हैं हमको मिलता नहीं मिलता खाने को, थोड़ा सा ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही, क्योंकि साग में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, इतना सा ही लूँगा, इतना बहुत है। ठीक है, इसको ढक देते हैं, और इसका आपको टेस्ट ज़रूर बताऊँगा क्या, अभी बता देता हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स जुड़े हैं, कैसा लग रहा है टेस्ट खाने में? बढ़िया सर, बढ़िया ही हो रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं गाइस, तो अपनी यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं हम गोविंदा की, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में टेस्ट करके बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट है। तो पहले ही मैं यही टेस्ट कर लेता हूँ जो हम छत में से सब्जी हमने बनाने की कोशिश करी है, ये अभी हम अगल बगल में ही बांटेंगे, क्योंकि सभी को हमने बताया था इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि यार हमें भी ला के दो। चलो कोई बात नहीं, पहले टेस्ट करते हैं, पहले आप खाइए, अब मैं खाऊंगा। कैसे लगा टेस्ट? अच्छा नहीं बस ला, चलो ठीक है अभी बताता हूँ।
ठीक है, मिर्च ज़्यादा नहीं है और कम, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया है। सीरियसली मजा नहीं कर रहा। और लंच का टाइम है अभी, दाल भी ट्राई कर लेते हैं। दाल तो दाल क्या बोलते हैं इसको, चने की दाल, इसको ट्राई कर लेते हैं। बाकी इसका टेस्ट क्या बताना, सभी लोग अपने अपने घर पे अलग अलग तरीके से बनाते हैं चने की तरी, ठीक है। तो अपना ये लंच कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से करते हैं बात। सो गाइज, अगर मैं इस समय टाइमिंग की बात करूँ तो आप ही देख सकते हैं 6:01 हो रहे हैं, और आप लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन थोड़ी चेंजेस लग रही है ना, राइट। तो आपको मैं बता देता हूँ, अभी मैं इस समय अपने गली के ही दोस्त के घर में हूँ जिसका नाम है विनोद। तो भाई वो मेरे पास आया था कुछ व्लॉगिंग के टिप्स लेने के लिए कि वीडियो हम यूट्यूब में कैसे बनाएं, कैसे अपलोड करें, कौन सी एप्लीकेशन है। तो मैं अभी उसी से बात कर रहा था, मैंने थोड़ा बहुत उसको बता दिया कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। फिलहाल मैं भी अपने वीडियो में सुधार कर रहा हूँ, साथ में जो मैं गलतियाँ कर चुका हूँ तो वो मैं उसको बता रहा हूँ आप कि भाई तू ऐसी गलती मत कर। और बाकी आप यहाँ का यहाँ से व्यू देख सकते हैं गाइज, कुछ ऐसा व्यू है, क्योंकि इसका जो घर है थोड़ा नीचे साइड पर है, तो इसलिए आपको थोड़े ऊपर ऊपर बिल्डिंग दिख रही होगी। तो मैं आपको विनोद से मिलवाता हूँ। तो भाई ये है विनोद। हाय गाइस, मेरा नाम विनोद है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और अभी गुड़गांव में शुरू से यहीं रह रहा हूँ। और एक कमल का चैनल है, क्या वो चैनल है, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, इसको मैं आपको दिखाता रहूँगा बाद में किसी व्लॉग में। फिलहाल तो अभी ये YouTube में आने की शुरुआत कर रहा है और कह रहा है कि वीडियो वगैरह कैसे मैं बनाऊं, कैसे नहीं बनाऊं। तो चलो कोई नहीं, पहले से थोड़ी बात बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। बाकी इसने भी आने का सोचा YouTube में, क्योंकि मैं काफ़ी व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ, मैं काफ़ी जगह घूमने फिरने जाता हूँ, तो भाई ये मुझे बंदा देखता था गली से मेरे। तो चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैंने अभी जस्ट अपना इवनिंग स्नैक्स कंप्लीट किया, जो कि बिस्किट और चाय था, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। और दोपहर को मैं सो गया था, और अभी मैं इस समय थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ। सुबह का मैंने बाकी बता दिया था अपनी ऑडियंस को, ठीक है गाइस। और थोड़ी बहुत गला ख़राब हो रहा था तो उसके लिए अदरक उदरक खा रहा हूँ जो कि मुंह में है, तो उसको ये मैं समझना कि चिंगम है। चलो कोई बात नहीं, बाकी फ़िलहाल इससे बात करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ शाम के डिनर में या फिर जो भी होता है आप लोगों को।